वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी। मैं कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। तो ये जो ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है और हमारे यहाँ घर में पूजा होने जा रही है, जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, सभी को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैप्पी दिवाली की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो पूजा की तैयारी है वो मैंने पूरी कर दी है। यहाँ पर हमने और मम्मी ने मिलकर सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। तो अभी हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ देखिए, दिए और जो भी खिले या थाली पूजा के सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बताना आपको कैसी लगी। और ये ग्रीन कलर की कुर्ती है, जो कि जिसका मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लेना। और सभी को फिर से हैप्पी दिवाली दोस्तों। और इस तरीके से देखिए हमारी सोसाइटी किस तरीके से जी है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ सजावट होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। दिवाली वाले दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम ऊपर 11वीं फ्लोर पर मैं रहती हूँ, तो वहाँ पर से जब देखते हैं ना चारों तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम दुबई पहुँच गए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप बताना आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हम दुबई में आ गए? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से सजाया था, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा दें यहाँ पर। और आप लोगों ने किस तरीके से सजावट की मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए पापा कर रहे हैं पूजा, क्योंकि सबसे पहले घर में पापा ही पूजा करते हैं। और एक खुशी की चीज़ है, अगर आप पूजा की चौकी पर अगर आप कोई एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि बताना मुझे कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से अभी छुपा रही हूँ, अभी नहीं बताऊँगी। अगर आप लोग आइडिया लगा पाएँ देख कर, तो मुझे ज़रूर बताना ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहीं पर मौजूद है पूजा के पास ही, मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए सबसे पहले पापा पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मम्मी बता रही हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले पापा पूजा करेंगे, फिर मम्मी पूजा करेंगे, फिर ये पूजा करेंगे, और गोपाल जी हम सब पूजा करेंगे बारी बारी से, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो 7:30 बजे से पूजा हमारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 6 से 8 तक का मुहूर्त था। वैसे भी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा शाम को ही होती है। तो इस तरीके से देखिए हम पापा ने कर ली, तो मम्मी कर रही हैं, उसके बाद ये भी कर रहे हैं पूजा, और उसके बाद करूँगी मैं। गणेश लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो शाम को ही होती है, क्योंकि आप लोग मुहूर्त ज़्यादा करने लगे तो उसके पीछे भागम भाग हो पड़ी है, क्योंकि जल्दी 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 रहती है, लेकिन पूजा हमेशा शाम को ही होती है, सभी को पता है। तो इन्होंने भी कर ली पूजा और अब करूँगी मैं यहाँ पर पूजा। देखिए कुछ इस तरीके से हम रोरी, चंदन, फूल, अगरबत्ती और दीपक सब कुछ यहाँ पर जो है भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, सब लगा रहे हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पर आरती, और मैं यहाँ पर गोपाल जी से भी कर रही हूँ पूजा करा रही हूँ। और वहाँ पर देखिए पापा जो है अब आरती करें, तो हम सब लोग मिलके बारी बारी से आरती करेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों की यहाँ पर देखिए आरती शुरू हो चुकी है, और पापा किताब में देखते जा रहे हैं और पूजा करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गणेश भगवान जी की आरती की थी, उसके बाद लक्ष्मी जी की थी, फिर उसके बाद ओम जय जगदीश की थी, जो कि अभी आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए आप आरती देखिए कि किस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। ओम जय लक्ष्मी माता बहुराणी कर्मिन से मनिका सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तनिका ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊ किस की तुम दिन और न दूजा आस करू जिसकी ओम जय जगदीश हरे पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख गल कामी करो करता ओम जय जगदीश हरे गोचर सबके प्राण पति किस विद मिलो दया में तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे प्यारता तुम राजक मेरे तुम राखुन मेरे करुणा हाथ उठाओ पार परा दे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, कमलापति कमलनयन की जय। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ बालकनी में दिए लगाने के लिए, क्योंकि पूजा हो चुकी है यहाँ पर। अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं बालकनी में दिए रख रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से भी थोड़ी सी आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, मैं दिए रख रही हूँ बालकनी में, जो कि हमारे यहाँ कड़वा तेल के और घी के जो होते हैं वो दिए जलाए जाते हैं। जैसे कि हम सात तुलसी माता को मंदिर में, और ये सब जो दिए होते हैं ना, वो सब जैसे पुरखों के लिए, इन सब के लिए अलग अलग दिए लगाए जाते हैं, घी के लगाए जाते हैं, बाकी कड़वे तेल के लगाए जाते हैं, जो कि आप लोगों जैसे कि देखा। गोली चलने वाली है, बहुत तगड़ी वाली है। पाली दूर है ना। ओए ये क्या था? अब मुझे भी इसके अंदर डाल के देखना है। सवाल खेला ना। चल मजा आ गया। मैं ओए ये हिला ले। चल गए। हमें तो डर लगता है इसे देख के। वो पहले दूर रहो, तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर का डेकोरेशन कि मैंने कैसे किया है। तो ये देखिए, ये हमारी बालकनी है, जो कि पापा और मम्मी यहाँ पर इस पर पानी डालते हैं। और उन्होंने देखो इतने सारे पेड़ भी लगा रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से लाइट्स वगैरह लगाई थी बालकनी में, जो कि आप देख ही रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रही थी बालकनी। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाएं, और अभी हम आपको घर भी दिखाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लगाई, लेकिन हाँ मैंने सजाने की पूरी पूरी थोड़ी थोड़ी कोशिश की है। तो दिए कुछ इस तरीके से लगाए हैं हमने पूरे घर में, जैसे यहाँ किचन में, हर दिए आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना घर सजाया था। उसके बाद हमने थोड़ी सी अपनी जो है फ़ोटोशूट किया, थोड़ा सा थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींची यहाँ पर भगवान जी के मंदिर के पास, यहाँ पर जहाँ पूजा की थी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैं सब कुछ करके आ गई, लेकिन यहाँ देखो इनके पापा का और बेटे का, दोनों लोगों का जो है फुलझड़ी चलाना अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो ये लोग बालकनी में अभी भी फुलझड़ी चला रहे हैं, और मैं आ गई थी अंदर। अरे हमें गिरा देगा। हम गिर जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इन लोगों की मैं खींच रही थी फ़ोटो। मैंने कहा थोड़ी सी फ़ोटो ले ली जाए यहाँ पर। तो गोपाल जी को आप देखो किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनकी वजह से जो है इतनी सारी फुलझड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है हर चीज़ करने का। तो चलिए आप खाना लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सारा काम हो गया, फुलझड़ी सब चल गई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बनाया था बटर पनीर मसाला, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पर है सेम आलू की सब्ज़ी, और ये पूड़ियाँ, और जिस खीरा की जो सलाड होती वो, और मिठाई भी मैंने एक पीस ली, कि मुझे ज़्यादा मिठाई पसंद नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग खा लीजिए मेरे हाथों से, सभी लोग खा लीजिए मिठाई, और क्योंकि हैप्पी दिवाली सभी को। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं डाल पाया। तो यहाँ पर आप लोग खा लीजिए मिठाई, और उसके बाद ये खाना भी खा लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को भी खिला दिया जाए पहला बाइट, आप लोग भी खा लीजिए। तो सभी लोग हमारे घर में खाना खा चुके हैं, तो मैंने सोचा अब हम लोग भी खा लें। और गोपाल जी और उनके पापा अभी बालकनी में बैठे हैं, गाने चला रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वॉल्यूम धीमी कर दी। तो इस तरीके से कुछ हमारी दिवाली रही, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को ही शौक़ होता है हर त्यौहार पर हर चीज़ करने का। तो इस तरीके से कुछ हमने दिवाली मनाई और खाना खा लेंगे। और अभी यह गोपाल जी हमारे आसपास घूम रहे हैं, तो हम बातचीत भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ आप लोगों से। और गोपाल जी से मैं कह रही हूँ आ जाओ यहाँ पर, थोड़ी सी भाई हेलो कर लो। तो गोपाल जी तो आप जानते ही हो, बैठते कहाँ हैं, एक जगह बैठते ही नहीं है गोपाल जी। तो देखो मैं कह रही हूँ कुछ खा लो, तो नहीं खा रहे हैं। बच्चों को जब त्यौहार होता है तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता उन लोगों का। तो बताना दोस्तों आपका मेरा दिवाली वाला ब्लॉग कैसा लगा। आई होप सभी लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और दिवाली सभी की हर साल ऐसी ही आए, सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। तो बताना आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक।